एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। गाइज, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि शमी का पौधा जो मैं कल नहीं लगा पाई थी, वो मैंने आज लगाया है। मतलब दूसरे दिन मेरे हस्बैंड इसको बैठ के लगा रहे थे। सुबह जब तक मैं सफाई करती तब तक उन्होंने कहा कि ले आओ, मैं पौधे लगा देते हूँ। तो बस वही पौधा ये लगा रहे थे, और इस वाले गमले में शमी का ही पौधा पहले लगा हुआ था जो सूख गया था, तो उसको हम हटा दिए थे। और ये जो बेला वाला पौधा है, इसको भी हम दूसरे मिट्टी में लगा दे रहे हैं, यानी दूसरे गमले में, किसी दूसरे नए गमले में लगा दे रहे हैं। एक्चुअली में ये नया मिट्टी और नया गमला नहीं है, गमला भी पुराना है, मिट्टी भी पुराना है, और मिट्टी में खाद वगैरह खूब अच्छे से मिला हुआ है। तो बस उसको भी बस ऐसे ही धीरे से रखना ही था, कुछ ज़्यादा इसके साथ मेहनत या बहुत अधिक काम नहीं करना था। जब खाद नहीं मिला रहता है मिट्टी में तो थोड़ा सा परेशानियाँ होता है, या थोड़ा काम जब तभी होता है, वरना तो बस ऐसे करके मिट्टी में आराम से लगा दिया जाता है। और फिर शमी के गमले को मेरे हस्बैंड ने यहाँ रख दिया है। तो ये आप देखिए, ये बेले का जो पौधा है, तो वो मतलब कि इस तरीके से लग गया है। और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था। एक्चुअली में इसमें जो छोटी सी कली लगी हुई थी, वो कली इतना खूबसूरत और इतना क्यूट लग रहा था कि बार बार वो इसी को देख रहा था। तो हमसे कहने लगा, मम्मी मैं इसका भी क्लिप ले लेता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, ले लो। तो वैसे ये फूल खिल गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये आप लोग देखिएगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखती हूँ कि इसका ग्रोथ कैसा चलता है। जैसा भी इसका ग्रोथ चलेगा, जैसा भी रहेगा कंडीशन, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और भी इधर मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई हूँ किचन में। वही रोज़ वाला काम, रोज़ वाली ड्यूटी हमारी। और अभी मुझे चाय भी बनाना है, चाय हमने नहीं बनाया है। बस पूजा करके मैं उठी और बस बर्तन वगैरह मैं हटा रही थी। तो अभी पहले तो मतलब सच पूछे तो इस टाइम ये दिमाग में चल रहा था कि आज सुबह नाश्ते में मैं क्या बनाऊं। तो फिलहाल तो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और आज आलू और टमाटर की। तो उसके लिए आलू टमाटर अदरक हम निकाल लिए हैं, और यहीं पे हम थोड़ा सा सोया बड़ी भी भिगो के रख देंगे। जब तक हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे, सब्जी बनाएंगे, तब तक सोया बड़ी खूब अच्छे से फूल के रेडी हो जाएगा। तो उसके पहले हम सोया बड़ी को हम खूब अच्छे से 2-3 पानी से धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। वैसे ये पैकेट वाला सोया बड़ी है, फूल मतलब लूज वाला नहीं है, इसलिए इसमें कुछ कूड़े या कुछ गंदगी वगैरह नहीं होता है। तो बस इसको हम भिगो के रख लेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों का तक आराम से पहुंच जाए। नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा जब आप लोग बेल को प्रेस कीजिएगा। तो ये जो बाटल था, तो ये प्लास्टिक का बाटल है। मैं जब जितनी बार इसे यूज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हाथ लगा के धुल के अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। वैसे तो मैं रात में मतलब इसको खाली करके और खुला छोड़ के देती हूँ, मतलब इसका ढक्कन मैं नहीं लगाती हूँ। प्लास्टिक का बोतल है तो थोड़ा सा स्मेल आने लगता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ इस टाइम पर रवा कचौड़ी। तो रवा कचौड़ी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं उसके लिए पहले हमने अंदाज़ से पानी ले लिया है, और उसमें हमने डाला है थोड़ा नमक और जीरा। अब इसको पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी उबल जाएगा हमारा खूब अच्छे से, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी को जब हम ऐड करेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ऐड करते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स न बनने पाए। अदरवाइज़ अगर आपको पानी कम लगता है तो आप बाद में ऊपर से गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हैं। बट याद ये रखना है कि इसको मतलब जब आप घोल बनाएँ, मतलब रवा को जब आप कुक करते हैं तो पकाते समय इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी, तब कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी और खस्ता भी नहीं होंगी और फूटने भी लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी यही रखना है कि रवा को खूब अच्छे से पकाना भी है और इसमें लम्स भी नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए हम अपने रवा को खूब बढ़िया से पका लेते हैं। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, can't make calls collide.
जितना हमें ज़रूरत था हम उतना रवा को पका चुके हैं, बिल्कुल हलवे की तरह ही हमें इसको पकाना है पानी में। और लास्ट में हम एक इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल या तो फिर रिफाइंड ऑयल कुछ या देसी घी कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसी जैसी आपकी इच्छा हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देखिए खूब सॉफ्ट डो बन गया है, तो इससे ज़्यादा हम इसको सूखने नहीं देंगे। और अब यहीं पर गैस को बंद कर देंगे और इस पर लीड लगा देंगे गैस बंद करके, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत अगर जो दाने रह भी गए होंगे तो वो अच्छे से स्टीम के साथ पक जाएंगे। तो अभी इस तरीके से हम इसको अभी यहाँ छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो अब हम दूसरी तरफ सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने आलू और टमाटर के सब्जी बनाने के लिए आलू को काट कर लिया है और टमाटर को भी धुल लिया है और सब काट लिया है। अब इसके बाद हम तेल गरम करेंगे और तेल में हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे। तो इसी तरीके से सब्जी हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और हमसे एक सिस्टर ने कहा था कि आप अपने ब्लॉग में मतलब हेयर केयर की कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ मुझे दीजिए। तो सिस्टर ऐसा है कि मैं जिस दिन अपना हेयर वाश करूँगी उस दिन ज़रूर आपके साथ अपना हेयर केयर टिप्स भी मतलब शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे जेन्युइन ही आइडिया है, मतलब फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों को आज का ब्लॉग जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इधर सब आलू भून जाएगा खूब अच्छे से, तो हम इसके बाद इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। और जब तक इधर सब्जियां हो रही हैं तब तक मैं बाकी सामान भी हटा लूँगी यहाँ से। और एक भैया ने मुझे कमेंट्स किया है कि आपका ब्लॉग देखते ही देखते आपका सारा घर भी मैंने देख लिया है। तो भैया ऐसा है कि मैं इसीलिए तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग मेरे घर को भी देख लीजिए है। तो बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच आने के लिए। और एक्चुअली मैं सच बताएं तो मतलब जब आप लोगों के अच्छे और प्यारे कमेंट्स आते हैं तो सुन के मन एकदम खुश हो जाता है। होता है ना कि अगर कोई भी काम करो और उसमें थोड़ी सी कोई सराहना कर देता है या कुछ अच्छे शब्द बोल देता है तो उससे मन को थोड़ी सुकून और थोड़ा खुशी मिलती है। तो बस ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो इधर सब्जी हो रहा था तो और बेटे को दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए दूध गर्म कर रही थी, तो ये जो रवा हमने मतलब कुक किया था जो उसे भी अब ठंडा हो गया खूब अच्छे से, मतलब हल्का गर्म है, केवल इतना गर्म है कि हम उसको अच्छे से मैश कर सके। एकदम ठंडा भी नहीं होने देना है, अगर अधिक ठंडा हो जाएगा तो इसको छुड़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी और ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको आटे के प्रोसेस में ही जैसे हम आटा गूंथते हैं पूड़ी वगैरह के लिए बिल्कुल उसी तरीके से हाथ में तेल लगाते हुए खूब अच्छे से चेक कर लेंगे कि अगर गलती से कोई लम्स रह गया हो तो हाथों की सहायता से हम उसको फोड़ लें, और नहीं तो अगर वो नहीं सही होता है, नहीं लम्स फूटता है तो उस लम्स को उस गांठ को हम हटा देंगे। नहीं तो होगा क्या, दिक्कत ये होगा कि मतलब जब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे तो वो जैसे होता नहीं हरी मिर्ची वगैरह अगर खड़ा मिर्ची तेल के अंदर करने के लिए डाल दो तो वो अचानक से छिटक जाता है, फूटने लगता है, तो वैसे ही ये फूटेगा और जलने का भी डर रहेगा। तो कचौड़ी तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत होती है। अगर आप ये मेहनत कीजिएगा तो आप भी रवा कचौड़ी का खूब अच्छा स्वाद ले लीजिएगा। तो इस तरीके से खूब अच्छे से मसलते हुए हम आटा को मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके हम रख देते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करके इस रेसिपी को ज़रूर मुझे बताएगा कि आज का ये रवा कचौड़ी आप लोगों को कैसा लगा। और रवा कचौड़ी आप लोग चाहें तो हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, पर हमारे वहाँ लोगों को सब्जी अधिक पसंद है तो इसलिए हमने सब्जी बनाया था और वही मैंने बनाया जो हम मतलब हमारे घर में लोग खाते हैं। और अदरवाइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। ये 4 पूड़ी और सब्जी हमने बना लिया और इसे मैं पहले भगवान जी को भोग लगा दिया, हमने जब तक ये लोग खाएंगे तब तक हमने भोग लगा दिया, क्योंकि सब्जी में लहसुन प्याज आज मैंने यूज नहीं किया है। तो जब बिना लहसुन प्याज के कुछ भी बनाती हूँ तो पहला भगवान जी को और गाय के लिए ज़रूर मैं रख देती हूँ, वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो ये कचौड़ियाँ बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो गाइज आप लोग भी आइए, आप लोग भी इसको ट्राई करके मुझे बताइए, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए आइए तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होगी। और हाँ ये भी कहना था कि अगर आप लोग जैसे इसे चाहे तो पतला पतला बेल भी सकते हैं, जैसा अभी हमने मंदिर में भगवान जी को भोग लगाने के लिए छोटा छोटा पतला पतला बनाया था, तो फिर बाद में हम खाने के लिए ऐसे मोटे मोटे कचौड़ियाँ बनाएंगे, बड़ी बड़ी लोइयाँ ले के बड़े बड़े मतलब डो लेके और ऐसे ही हाथों से रैप करते हुए हम ऐसे ही बना लेंगे, इसको हम भूने मतलब बेलेंगे नहीं चौका पे। तो इस तरीके से वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं,
वैसे इसको खस्ता को मतलब स्टफ करके भी बना सकते हैं। स्टफिंग में आप अपने मनपसंद का कुछ भी आइटम रख सकते हैं। फिलहाल मैंने जैसे बनाया वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। तो गाइस नाश्ता भी रेडी है और आप लोग भी आ जाइए। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी, शायद आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे, तो जैसी भी लगे मुझे बताइएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।